अर्ली मॉर्निंग हवा स्टॉप इट इज और वक्त होता जाता है सिर्फ 10:30 बजे इन द मॉर्निंग। धूप निकल रही है, मज़ेदार हवा चल रही है, अनएक्सपेक्टेड सी, एंड वी आर ऑफ टू आर वन एंड ओनली सेकेंड होम, जिधर हमारी ज़िंदगी जो पिछले 2 साल की गुजरी है ना, पिछला साल तकरीबन पूरा कह लें मिड स्टार्ट हुआ था और अभी भी ये साल भी हमारा जा रहा है। और रात को सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, टाइम एंड ट्यून जा रहे हैं, फिर रात को सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं और टाइम एंड ट्यून जा रहे हैं। तो बस यही कुछ ज़िंदगी के मामलात हैं आजकल, और मौसम हमारा साथ फिर नहीं दे रहा, इस साल भी नहीं दे रहा। बस किस्मत ही कुछ ऐसी है कि सर्दियों में माशाल्लाह ठीक गुजर जाते हैं, ठीक रह जाते हैं, और गर्मियों में हमारी शामत आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अनदर वीडियो। कैसी हैं आप सब, उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक खैर खैरियत से बहुत मज़े में होंगे और आपका आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत गुजरा होगा। हेलो, एक और दिन, एक और नया दिन शुरू हो चुका है और हम फिर से टाइम एंड ट्यून की तरफ रवाना है। इंजन हमारा बाहर आ गया था, जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे, इंजन भाई बाहर आ गए थे और अब आगे देखना है कि क्या सीन्स और क्या सिनेरियो बनता है, क्योंकि डेंटिंग का जो प्रोसेस है हमेशा से मेरा बहुत फेवरेट रहा है। और गाड़ी की बेस की डेंटिंग, गाड़ी की डेंटिंग लाइक बॉडी पार्ट्स की डेंटिंग, दरवाजे, छत, ये सारा कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन इस तरह का कभी कोई कोलिजन रिपेयर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। इसका जो एक्सपीरियंस है वो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो इसीलिए मैं देखना भी चाहूँगा, सीखना भी चाहूँगा और इन भाई के अंदर मारना भी चाहूँगा। लेकिन फिलहाल एक गाड़ी लगी हुई है तो दूसरी मारने का नहीं सोचते हैं, बात तो सही है। चलते हैं टाइम एंड ट्यून पे, काली मार्केट जा रही है, माशाल्लाह क्रिस्पी क्लीन। कल एक भाई से मैं किस्सा सुन रहा था उनके ड्राइविंग टेस्ट का, ड्राइविंग टेस्ट देने गए भाई, उन्होंने गाड़ी में सीटेड हुए, गाड़ी में बैठने के बाद उनके साथ वो बैठा, उसने वीडियो ऑन की, जो होता है क्या नाम है वार्डन जो होते हैं साथ, जो ड्राइविंग टेस्ट आपका ले रहे होते हैं, वो बैठे और उन्होंने कैमरा ऑन किया, उन्होंने कहा चले जी करें, वो जो उन्होंने टर्न सा बनाया हुआ है उसमें एक दफ़ा आगे जाएँ और फिर रिवर्स उसमें वापस आएँ। भाई एक दफ़ा आगे गए, एक दफ़ा वापस आए, उन्होंने कहा जी के क्या मैं पास हो गया हूँ, उन्होंने कहा जी नहीं आप फेल हो गए हैं, आप 42 डेज के बाद दोबारा आए। तो भाई ने कहा कि क्यों, मैं क्यों फेल हुआ, क्योंकि मैं तो आगे जाते हुए भी किसी कोन में नहीं लगा, पीछे आते हुए भी किसी कोन में नहीं लगा, मैं क्यों फेल हुआ। उन्होंने कहा जी आपको पहला से ऑलरेडी पता ड्राइविंग का, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई। तो आपने जब ड्राइविंग टेस्ट देने जाना है तो आपने बैठते साथ पहले सीट बेल्ट लगानी है, फिर आपने वो ड्राइवरी अपनी दिखानी है, वरना वो आपको फेल कर देंगे। आज तो मुश्किल ही है ये कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिले, सुबह सुबह का वक्त बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी अच्छे की उम्मीद लिए चलते हैं, सफ़र एंजॉय करें। क्रिएटिविटी, और हम पहुंच चुके हैं रास्ते में, हमें कुछ ख़ास इंटरेस्टिंग मिला नहीं। बाकी कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ मैं कि काफ़ी सारे आप लोग कह रहे होते हैं कि यार मीना वापस लाओ, मीना वापस लाओ, मीना के साथ कुछ करो। और ये है जी हमारी प्यारी मीना, LEF 59 अल मशहूर। मीना इज़ नॉट इन द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल टाइम, पर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, हमारी ज़रूरत भी पूरी कर रही है और थोड़ा सा मुँह मत्थे भी लग जाती है। द कार इज़ रैप्ड इन ग्लॉस ब्लैक, 17 इंच के लेंजो या पता नहीं कौन से व्हील्स, इनको क्या कहते हैं, लेंजो हैं या वॉसन इमोशन आर टाइप का कोई रिम है 17 इंच में, और थोड़ा मोटा टायर प्रोफाइल डाल दिया था ताकि कंफर्टेबल ड्राइव रहे। स्मोक वाली लाइटें अभी भी लगी हुई हैं गाड़ी पे, ये हमें आज तक नहीं मिला, किसी के पास पड़ा हो तो मुझे ज़रूर बताए। फ्रंट बम्पर हमारा बहुत बहुत शिद्दत से कह रहा है हमें नया डाल दो, प्लीज़ प्लीज़ नया डाल दो। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें हो सकती हैं, और जब ज़िंदगी अनएक्सपेक्टेड टर्न्स लेना तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, मैनेज करनी पड़ती हैं, तरीके के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि इतना सब कुछ आपका भाई अकेला नहीं कर सकता। कितना कुछ कराऊंगा यार मैं, किधर किधर जाऊंगा, तो समझा करें ज़रा। इट कैन बी हार्ड फॉर अ 21-year-old समटाइम्स टू फुलफ़िल एवरी थिंग अराउंड हिम, अपनी ज़िंदगी भी देखनी है, ज़िंदा भी रहना है, खाना पीना भी है, तो इसके साथ इसलिए थोड़ी सी मुश्किलात कभी कभी सामने आ जाती हैं, पर कोई नहीं जी, वही बात है कि प्रोग्रेस होता रहना चाहिए, चाहे वो स्लो हो, फास्ट हो, बहुत स्लो हो, प्रोग्रेस इज़ इम्पॉर्टेंट। टाइम पर जितना मर्ज़ी लगे, ये तो फिर ज़िंदगी के साथ साथ ही है। बाकी करेंगे इसका कुछ ना कुछ, ये नहीं कह रहा नहीं करेंगे, करेंगे ज़रूर, अभी नहीं। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
क्या बात है, बॉस की गाड़ी धुल रही है सुबह सुबह। हाउ आर यू, हाउ आर वी? गुड, आई एम गुड। फैमिली के कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अप फॉर सेल? यस। डिटेल्स प्लीज। कितना चली है? 22,000 होंडा सिटी 2022 मॉडल, 22,000 ड्रिवन अवेलेबल। जिसने गाड़ी देखनी हो वो टाइम एंड ट्यून जोहर टाउन विजिट कर सकते हैं। अप फॉर सेल, खावर भाई ओन्ड, आएँ देखें, और अगर डील बनती है खावर भाई से तो इसको ले जाएं। ये अपनी रहम प्यारी होए, इंजन दे बगैर आ गई होए, तो ऑयल लीकेजेस, चलो ये भी वंस एंड फॉर ऑल सारा साफ हो जाएगा, वरना तो कभी इसमें होना नहीं था, क्योंकि जितने हमें वायरिंग का डर लगता था हमने कभी इंजन में वॉश नहीं कराया सही तरह। तो डीप क्लीन इंजन में भी हो जाएगा, सस्पेंशन भी हो जाएगी। ये हमारा जो फ्रंट वाला सपोर्ट होती है फ्रेम का हिस्सा, इसको सीधा करने के लिए उस्ताद ने इसके ऊपर कस्टम मेड ब्रैकेट लगा दिया है, तो पुल करेंगे ताकि हमारे ओरिजिनल फ्रेम के साथ ना हमें कोई वेल्डिंग करनी पड़े ना ही कुछ और इसको सुकून से प्यार से कर लेंगे सीधा। इसके अलावा ये सपोर्ट किधर को जा रही है पता नहीं, किधर को, अच्छा ये इधर को जा रही है, ओके। कस्टम मेड ब्रैकेट दो जगह लग गए हैं अभी मेरे ख्याल से, एक इधर भी लगेगा ताकि हमारी ये जो प्लेट टेढ़ी हुई है ना इसको भी हम सीधा करके अपनी जगह पर ले लें। हेलो, की हाल चाल है, ठीक हो ना, खुशबाश हो? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, इसने मेरे ज़िंदगी में बड़ा साथ दिया, ये शहजादा है शहजादा। और भाई सब ठीक? थोड़े दिन रेस्ट करो हैं, आपको हम वापस विच कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप रेस्ट करें, सुकून करें। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है भाई इस फीलिंग को, तो ज़रा बैठ के थोड़ी सी फीलिंग ले लें। उफ़, आई मिस ड्राइविंग दिस कार, एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किस हद तक का हम इसको चलाना मिस कर रहे हैं। ये भाई नीचे आ गए हैं, कोई बात नहीं, इनको हम लगा लेंगे। बहरहाल कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, यू विल बी फाइन, बड़ी टेंशन लेनी। इसको भी फिक्स कर दिया भाई ने, गुड। बाकी डैब का काम भी निकल आ रहा साथ साथ, क्योंकि निकलना ही है, गाड़ी गंदी ना हो इस सब के बाद ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन रात को हमारी चैन को भी खराब हो गई, चैन को भी खराब हो गई, वो आप जाएंगे ना चैन करवा के लाएंगे। तो अब इसका थोड़ा सा मुझे आपने समझाना है कि क्या हो रहा है और क्या होना है। बस इसका जो है ना, ये मैं पहले कैसी वगैरह सीधे कर लूँगा, आप इसका जितना जल्द हो सके ना, ये आगे वाला सामान, एक मोटर गार्ड और किसके आगे वाले जो, वो तो आ गया हुआ है, वो आ गया हुआ जी जी, बस ठीक है। ये आगे वाला बम्पर वगैरह, क्योंकि मैं एक बार मतलब सब कुछ साफ फिट करके लूँ जी, फिर वो ड्राइंग वाले के वाले का। तो गाटरी साजी हो जाएगी कि नहीं? गाटरी मैं चेक करता हूँ ना, गाटरी का आपने ये तो नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा ना नोज़ तो। अच्छा। वो तो कह लें कि मिल ही नहीं रहा, जितनी मैंने कोशिश कर सका था कर ली है। गाटरी की मैं भी कहूँ मैंने कोशिश नहीं की, इधर आ गया हुआ। मैं सुबह इसका आपको फेंडर आप पहुँचाए ना यहाँ पे, गाड़ी का मैं आपको सुबह बता दूंगा, क्योंकि रात को मैं इसके ऊपर जब फेंडर आई खड़ा है वो उधर पड़ा है, बस वो पड़ा है ना अपना, ये गाड़ी का मैं आपको सुबह बता दूंगा। ठीक है, आज के दिन में हम इसको कर लेंगे, आज के दिन में हम ये दोनों काम इसको मुकम्मल करेंगे ना, वो भी खींच के बराबर करेंगे, फिर गाड़ी को चेक करेंगे, अगर उसमें होने वाला हुआ ना तो कर देंगे, मैं 100% कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक है, डन हो गया, डन हो गया। मैंने रात को कर देना था, लेकिन रात को हमारी चेन को भी ख़राब हो गई। कोई नहीं जी, इसमें मसला था, ऐसे तो फिर चलता है, तीन ख़राब हुई पड़ी है। ये होती रहती है। ये नया इंजन आया हमारा जापान से, इंजन का नाम क्या है? इंजन का नाम है ये V8। तू भी V8 ही है, फायदा तो कोई भी नहीं होया, पुराना काट के नवा पान लग गया। चल भाई अंदर हो, ये नया V8 इंस्टॉल हो गया, बैठ जाना अब, चल अब गाड़ी टोरनी भी है। इंजन है, ड्राइवर नहीं है। One hour later.
कोई अपडेट इस तरह है कि उस्ताद डेंटर हमारे थोड़े से भी फिलहाल बिजी हैं और उन्होंने भी काम नहीं शुरू करना है इसका। तो मीन वाइल जो हमने सुबह आते साथ सोचा था कि इसका इंजन भी साफ कर लेंगे एक दफ़ा ज़रा अच्छे तरीके से तो बेहतर हो जाएगा काम, तो अब उसी की एप्लीकेशन शुरू करने लगे। केमिकल आ गया बिलालगंज वाला, इसको अच्छे तरीके से अपने इंजन बे में मारेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसको वॉश करेंगे। हाँ, डेंटर भाई के वेट में हमने कहा ज़रा बैठे बैठे बोर हो जाएंगे तो तब तक कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। बाकी सुबह जो थोड़ा सा मौसम बेहतर था उसकी कसर पूरी होने के लिए धूप निकल आई है और पहली ज़रूरत हमें फेस वॉश की पड़ गई है आज के दिन की, और 70-80 दफ़ा और अभी हम मुँह धोएंगे धूप की वजह से निडाल होके। बाकी प्रेशर वॉशर हेयर अली डॉन बाल्टी भी ले आए हैं, इसको डालेंगे इसके अंदर। इसका स्विच किधर लगाएंगे? ओके हो गया। बादशाह ये आपने मुझे देना है, ये एजाज मैं लेना चाहता हूँ। ओके पहले तो मेरा भाई तू तो साफ होना, बेचारी गंदी हुई है। गर्मी भी लग रही होगी बेचारी को, है बाहर आल फायदा और मकसद तो कोई भी नहीं है, बस दिल को खुशी दे रहे हैं। थोड़ी प्यारी प्यारी लगती है, गीली हो गया है। शैने शैने डेंट है पर शाइन तो है। हाँ जी दावा सलीमी साहब, करना कंपटीशन। पाते हैं मेन मुद्दे पे जो कि है इंजन पे। ओए होए 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 नया निज़ाम निकल रहा नीचे से। क्या बात है, मुझे तो नई गाड़ी है पूरी। डॉन ये फिर लगा के फिर थोड़ी देर छोड़ दें। चलो कर लगा दो फिर, तो तसली देने के लिए जैसा तैसा हुआ है, शैम्पू शैम्पू मार के गाड़ी को कपड़ा मार के साफ सुथरा कर दिया। शाइन तो है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह भी प्यारी भी लग रही है और नई भी लग रही। आगे जाओ तो देख के वापस आ जाओ, बेहतरीन सिम ही है। खैर ये शौक पूरा कर लिया वैसे ही गाड़ी को वॉश करके। आई वॉज़ मिसिंग हर, आई स्टिल मिस हर, तो इसीलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह एक दिन इंजन वापस अंदर, गाड़ी ओके के इंजन जी चूम 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 चूम। हाँ मैंने छठ जोग जाता तो अपना कर। अपने शिगिर्दों को कहा गालियां दे रहा है थले ओड़ो। आप ईद से पहले मुझे गाड़ी दे देंगे? नेक्स्ट ईयर। छोटी ईद से पहले ये सिंपल सा जवाब मिला है ईद से पहले गाड़ी लेने का, खबर मिल गया नेक्स्ट ईयर अल्लाह के हुक्म से। लेट्स सी कि क्या हो रहा है फिलहाल। साजी दिन के कितने सिगरेट पी लेते हैं आप? दो डबियां। हाँ बस ठीक है यार, आपने उस्ताद को ऐसे बदनाम किया हुआ है। दो डबियां पीते हैं भाई, दो डबियां ये ऑफिशियल है। अच्छा अनऑफिशियल इससे ज्यादा है। साजी ये क्या स्टोरी है? जब कभी हो ना थोड़ा सा टेंशन, टेंशन ज्यादा हो जब फिर ज्यादा पी लेते हैं। सुभान अल्लाह। साजी ये नया है हमारा, बिस्मिल्लाह अपनी गाड़ी भी हो रही है। उस्ताद जी भी यही बात कर रहे थे कि जिस हिसाब का कोलिजन था ये फ्रेम माशाल्लाह माशाल्लाह क्या वही बात है कि जर्मन क्या बना छोड़ी है, सिर्फ ये बेंड हुआ है, उससे पीछे कुछ भी नहीं, कुप्पों में कुछ भी नहीं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत बचत हुई है। और क्या ही मस्त किस्म का लोया यार ये 2000 मॉडल जर्मन, और क्या लोया
बड़ा ही डायनो जेट चढ़ गई ये गाड़ी, फुल टाइम बांध दिया कहीं आपे से बाहर ना हो जाए। हाइट भी आ गई इंजन निकलने से। ताजी वो वाली किधर गई, दूसरी वाली वो अंदर बड़ी है, वो सब आ गई है, खराब तो नहीं हो गई? नहीं 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 नहीं, अरे मैं कहा बिस्मिल्लाह होने नाल ही हो गई ना पूरी हो गई, वो सिर्फ चेक करनी थी बस, चेक करनी बस आ गई है। ये बढ़िया थोड़ी ये बड़ी है, इसको ज्यादा हम इधर जाना आज ही एस पेटी से जा रहा है, करो मेरे ताला लाओ रैच भी इधर पूरा अच्छे कर दो भाई, पता लगा दो टांगे। दिस पार्ट इज डन, तो सपोर्ट लगा के इसको टाइट कर दिया, दूसरी साइड पर फिट हो गए, इसको वापस अपनी जगह पे करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये टेढ़ी नहीं हुई, सिर्फ गाड़ी के पुश की वजह से इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि जैसे ही पुल करेंगे ये अपनी जगह पे आती जाएगी। ओके की रिपोर्ट है, ये भी सीधा हो गया माशाल्लाह, वो भी सीधा हो गया माशाल्लाह। इससे नंबर पे जो गाड़ी बनाई थी ना बीएम इन्होंने, इसके छत के ऊपर ना एक तख्ता रखा गया था, उस गाड़ी के छत के ऊपर, उसके ऊपर 50 लोग खड़े किए गए थे, वो अभी तक वीडियो मेरे पास मेरे अपना इस पे फेसबुक। पुराने बीएमडब्ल्यू में सनरूफ आते थे, वो भी लोहे के होते थे, उन्होंने ऊपर तख्ता रखा ना, तख्ते के ऊपर 50 लोग खड़े किए, उसकी मजबूती चेक करने के, कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसी है। तो जी बॉयज, आज का व्लॉग और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा व्लॉग्स आपके लिए ला पाएँ, आपको साथ साथ सारा काम दिखाते जाएं। बाकी आज का व्लॉग ख़त्म करेंगे यहीं पे, मेन फ्रेम्स हमारे दोनों ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, दिल को तसल्लियाँ देने के लिए हमने गाड़ी धो ली, साफ़ सुथरी कर ली आज, उसके अलावा कुछ पुरानी यादें ताज़ा की, बैठ के इसकी वीडियोज़ देखी कुछ, और इसी दुआ के साथ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये वक्त दोबारा जल्द आएगा। तार डेंटर बिजी हैं ऑफ कोर्स, और भी काम है साथ साथ सारे, तो इसीलिए आज के दिन में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो हमारा मेन और मेजर काम था वो कह सकते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, और इसके बाद अब आगे कुछ ज़्यादा नहीं होगा। उम्मीद है कि 3 से 4 दिन मज़ीद हम इंजन वापस अंदर रख सकेंगे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर अपनी कोशिश पूरी करेंगे। तो आपसे बहुत जल्द, सी यू इन द नेक्स्ट वन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बाइक को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट। टाइम तो इतना नहीं हुआ, लेकिन थकावट ऐसे लग रहा जैसे पता नहीं क्या हो गया। खैर जी, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय।